हाय गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सुजीत है, मैं कुडो नेशनल जर्जन रेफरी और कराटे इंस्ट्रक्टर हूँ। उसके साथ मैं मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक और पार्कर का ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आज आपको येलो बेल्ट का सेकंड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं ब्लॉक सिखाऊंगा। स्टार्ट में आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, आगो के ब्लॉक, इसे बोलते हैं अपर ब्लॉक। तो अगर कोई आपको फेस में पंच मार रहा है तो आपको ब्लॉक करना है। कोई अपर अटैक करता है तो स्टिक में आप मूव फॉरवर्ड जाके ब्लॉक करके उसे काउंटर अटैक कर सकते हो। पहले मैं आज आपको ब्लॉक सिखाऊंगा, मूव फॉरवर्ड, आगो के ब्लॉक। आगो के ब्लॉक आप फ्रंट स्टैंड में कैसे करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, फास्ट आपको क्या करना है ना, यो पोजिशन में आना है, फिर आपको आगो के ब्लॉक। आगो के ब्लॉक आप नहीं सीखे हो तो मैं व्हाइट बेल्ट में क्लास में मैं आपको कम्प्लीटली आगो के ब्लॉक सिखा चुका हूँ। आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख है, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दिया हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं पे भी समझ नहीं पाते हो तो मुझे वीडियो बना के भेज सकते हो इंस्टाग्राम में, मैं ऑनलाइन रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। मैं आपको सही टिप्स बताऊँगा, आप कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं अभी आपको फ्रंट स्टैंड में आगो के ब्लॉक कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, आपको क्या करना है ना, पहले यही पोजिशन में लेना है, फिर आपको राइट लेग बैक गिदन बराई ब्लॉक करना है। राइट लेग बैक गिदन बराई कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ। आप पहले स्लो में करना, आप अच्छे से सीख गए हो तो एक ही काउंट में करना है, ऐसे एक ही काउंट में करना राइट लेग बैक गिदन बराई ब्लॉक। अब मैं सिखाऊंगा अभी आपको मूव फॉरवर्ड आगो के ब्लॉक। कोई आपको अपर अटैक कर रहा है तो हम मूव फॉरवर्ड आगो के ब्लॉक करके काउंटर कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले आपको ब्लॉक सीखना है, पहले आपको डिपेंड करना है कि अपर अटैक को कैसे ब्लॉक करना है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा मूव फॉरवर्ड में कैसे आप ब्लॉक कर सकते हो। देखो, आपको राइट लेग बैक गिदन बराई ब्लॉक करना है, पहले राइट लेग बैक गिदन बराई ब्लॉक। अब मैं आपको फोर काउंट में बताऊंगा आपको क्या करना है ना। फर्स्ट काउंट में आपको लेफ्ट हैंड ऐसे ऊपर उठाना है, फिर आपको राइट लेग को आगे लाना है। देखो, सेम हाइट में, हाइट उठना नहीं चाहिए, सेम हाइट में। देखो, 1 2 3 4, हिप मूवमेंट 45 डिग्री एंगल लेना चाहिए। पंच में हिप मूवमेंट 90 डिग्री रहता है, तो ब्लॉक में हिप मूवमेंट 45 डिग्री एंगल लेना चाहिए, आपका हील उठना नहीं चाहिए। बस यही बात ध्यान से रखना, ध्यान में रखना और प्रैक्टिस ऐसे ही करना, मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना। देखो, राइट लेग बैक डाउन राइट ब्लॉक, एक ही काउंट में, फिर आपको हैंड ओपन करना है, राइट लेग को आगे लाना है सेम हाइट में, फिर राइट लेग को आगे लेना है और ब्लॉक करना है सेम मूव फॉरवर्ड, सेम फोर काउंट में 1 2 3, बैक सेम 1 2 3, सेम 1 2 3। आपको ऐसे स्लो में करना है, तो स्लो में अच्छे से हो जाए तो आपको मीडियम स्पीड बढ़ाना है और टू काउंट में करना है। फर्स्ट काउंट में आपको क्या करना है ना, 1, एक ही टाइमिंग में। पहले हम क्या करते थे, फोर काउंट में पहले हैंड ओपन होता था फिर लेग जाता था, बस इसे एक ही काउंट में करना है 1। इसे प्रैक्टिस करना है, ये अच्छे से हो जाए फिर ब्लॉक को टाइमिंग में साथ करना है 2। ब्लॉक के साथ पुल बैक आएगा और हिप मूवमेंट 45 डिग्री एंगल होगा, ऐसे हिप जाएगा, ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगा तो रॉन्ग होगा, आपका टेक्निक गलत होगा। तो ये सेम बेंड में होना चाहिए, बस हिप जाना चाहिए, हिप जाना चाहिए, ये हिप जाना चाहिए। देखो और एक बार, 1 2 1 2, सेम बैक 1 2 1 2। तो आपको अभी स्पीड में करूँगा, 1 काउंट में, तो ऐसे ही आपको फ्रंट स्टैंड में आगो के ब्लॉक करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना और आपकी वीडियो भेजना मुझे, मैं देख के आपको बताऊंगा कहीं पे आपका गलत हो रहा है, मैं आपको सही टिप्स दे सकूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।